सत श्री अकाल किसान भाइयों, गेहूं उत्पादन में हमारे देश का प्रमुख स्थान है और गेहूं की उन्नत किस्में गेहूं की खेती में महत्वपूर्ण योगदान रखती हैं। गेहूं के उत्पादन के लिए उचित उर्वरक प्रबंधन व सिंचाई के साथ साथ एक उन्नत बीज का चुनाव भी बहुत जरूरी हो जाता है। मैं आपको गेहूँ की चार ऐसी उन्नत किस्मों के बारे में बताने वाला हूँ जिनका उत्पादन अच्छा होने के साथ साथ इन किस्मों पर लागत अन्य किस्मों की अपेक्षा कम आती है। साथ साथ मैं आपको बताने वाला हूँ कि इनकी बीज की मात्रा, इनकी ऊंचाई, इनके पकने का समय, कौन कौन से राज्यों में बुआई कर सकते हैं, कितनी सिंचाई की आवश्यकता पड़ेगी और कौन कौन से रोगों के प्रति सहनशील हैं, वह उत्पादन कितना निकल कर आएगा, ये सब मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी किसान भाइयों को बताने वाला हूँ। एक अच्छी जानकारी प्राप्त करने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो उसमें जो पहली किस्म है उसका नाम है कर्ण वंदना DBW 187। इसकी बुआई का समय है एक नवंबर से 12 दिसंबर तक, यानी कि इस किस्म की अगेती वह मध्य देरी से बुआई भी कर सकते हैं। इसकी बुआई पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, असम, राजस्थान, बिहार इत्यादि इलाकों में कर सकते हैं जहाँ पर सिंचित भूमि है। बीज दर की बात करें तो 40 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से बीज जो है प्रयोग करना चाहिए। यदि देर से बुआई कर रहे हैं तो 40 से 45 और 50 केजी बीज की मात्रा भी प्रयोग करनी पड़ सकती है। सिंचाई इस किस्म में खास बात यह है कि इसको दो सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है, यानी कि पानी की खपत बहुत ही कम ये किस्म करती है। इसकी ऊंचाई 100 सेंटीमीटर से 104 सेंटीमीटर होती है। इसकी बाली लंबी वह ठोस दाने जो हैं इसकी बाली में भरते हैं। यह रोगरोधी किस्म है जैसा कि भूरा रस्ट, येरो रस्ट, इन रोगों के प्रति सहनशील है। इसका पकने का समय 140 से 142 दिन है। इसका एवरेज 28 से 30 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से लिया जा सकता है और यदि अच्छी देखरेख की जाए तो इसका अधिकतम उत्पादन 80 से 85 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से लिया जा सकता है। रोटी मुलायम बनती है। प्रोटीन में आयरन की मात्रा अन्य किस्मों की अपेक्षा अधिक पाई जाती है और उर्वरक भी कम प्रयोग करने पड़ते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी एक नवीनतम किस्म है जिसको पानी की कम आवश्यकता होती है और उर्वरकों की भी कम आवश्यकता होती है और उत्पादन भी बहुत अच्छा निकल के आता है। तो किसान भाइयों, इसकी जो बुआई है मेरे हिसाब से सील ड्रिल से करनी चाहिए, छिटकाव विधि से नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सील ड्रिल से जो है इसका बेहतर रिजल्ट मिलता है और अच्छा जो है उत्पादन निकल कर सामने आता है। तो किसान भाइयों, अब मैं दूसरी जो है आपको किस्म बताने वाला हूँ उसका नाम है कर्ण नरेंद्र DBW 222। इसका बुआई का समय 25 अक्टूबर से 25 नवंबर तक है। इसकी बुआई पंजाब, हरियाणा, बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, उत्तराखंड के तराई के इलाके, पश्चिम बंगाल, असम व गुजरात इत्यादि इलाकों में कर सकते हैं। बीज की मात्रा की बात करें तो 40 केजी प्रति एकड़ हिसाब से जो है बीज प्रयोग करना है। यदि देर से बुआई करते हैं तो 45 से 50 केजी प्रयोग भी करना पड़ सकता है। इसकी ऊंचाई 100 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर होती है। इसकी बाली लंबी, मोटी व दाने की संख्या जो होती है ठोस होती है और भरपूर दाने होते हैं। यह किस्म भी रोगरोधी है। इसमें झुलसा व येलो रस्ट नहीं लगता है। इसको लगभग 4 सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। इसके पकने का समय 140 से 145 दिन का है। इसके एवरेज की बात करें तो 27 से 29 क्विंटल जो है प्रति एकड़ के हिसाब से इसका एवरेज आता है। रोटी मुलायम बनती है। जिंक, लौह तत्व व प्रोटीन से भरपूर इस गेहूँ में जो है मात्रा मिलती है। अब जो तीसरी किस्म है मैं आपको जो बताने वाला हूँ उसका नाम है HD 2733। यह किस्म भी काफ़ी अच्छी किस्म है। यह मध्य देर से बुआई की किस्म है। इसकी बुआई का समय 20 नवंबर से 15 दिसंबर तक है। इसकी बुआई हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब, गुजरात, बिहार, उत्तराखंड, असम, पश्चिम बंगाल इत्यादि राज्यों में कर सकते हैं। बीज दर की बात करें तो 40 केजी प्रति एकड़ हिसाब से इसका बीज की जो है इसका प्रयोग करना चाहिए और यदि देर से बुआई कर रहे हैं तो 45 केजी बीज ही प्रयोग करना चाहिए। इस वैरायटी की खास बात यह है कि इसमें कलों का फुटाव बहुत ज़्यादा अधिक होता है, इसलिए इसकी बीज की मात्रा जो है सीमित
हिसाब से ही करनी चाहिए। तो किसान भाइयों, यदि आप अगेतिस की बुआई कर रहे हैं, 20 नवंबर के आसपास बुआई कर रहे हैं, तो आपको बीज जो है मेरे हिसाब से 35 केजी ही पर्याप्त जो है रहेगा। इसकी बाली मध्यम लंबाई की व दाने मध्यम मोटाई के चमकदार होते हैं, लेकिन भरपूर दाने भरते हैं। इसकी ऊंचाई 100 सेंटीमीटर 100 से 110 सेंटीमीटर तक होती है। इसे भी 4 सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। रस्ट रोग, पीला रोग जो है रोधी है। एवरेज 26 से 28 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से ले सकते हैं। और रोटी मुलायम सफ़ेद प्रोटीन व जिंक व आयरन की मात्रा इसमें भरपूर होती है। और जो चौथी किस्म मैं आपको बताने वाला हूँ, उसका नाम है DBW 303। इसके बुआई का समय 25 अक्टूबर से 5 नवंबर अगेती बुआई व 5 नवंबर से 25 नवंबर तक जो है इसकी पिछेती बुआई कर सकते हैं। इसकी बुआई उत्तर पश्चिमी मैदानी क्षेत्र हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, जम्मू कश्मीर के मैदानी इलाकों के लिए उपयुक्त है। बीज दर की बात करें तो 40 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से जो है इसकी बीज जो है बुआई के लिए डालना चाहिए। और यदि देर से बुआई कर रहे हैं तो 50 केजी बीज भी प्रयोग कर सकते हैं। इस किस्म में कलों का फुटाव भी बहुत अधिक होता है। इसकी बाली लंबी मोटी व दाने मोटे चमकदार होते हैं। सिंचाई की बात करें तो 4 सिंचाई किस्म की भी आवश्यकता पड़ती है। रोग रोधी है, पीला रतुआ रोग, झुलसा रोग रोधी है। पकने का समय 138 दिन से 145 दिन का है। एवरेज 27 से जो है 30 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से इसका एवरेज आता है। और अधिकतम पैदावार जो है 82 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से ले सकते हैं, यदि हम इसकी अच्छी देखभाल करते हैं और विशेष परिस्थितियों में इसकी जो है 82 क्विंटल तक जो है इसके पैदावार ली जा सकती है। जिंक व आयरन व प्रोटीन से भरपूर किस्म है। रोटी मुलायम बनती है। तो किसान भाइयों, ये मैंने जो किस्में बताई, ये बहुत ही चार किस्में बहुत ही अच्छी किस्में हैं। लेकिन जो किसान भाइयों इसकी जो बुआई करनी है, वो मैं पहले बता चुका हूँ कि सीड ड्रिल के द्वारा ही इसकी बुआई करें तो बेहतर रहेगा और अच्छे परिणाम जो मिलेंगे और अच्छा उत्पादन होगा। किसान भाइयों, ये जो चार किस्में हैं, इस किस्मों में खास बात यह है कि ये बहुत ज़्यादा इसको उर्वरक नहीं प्रयोग करने पड़ते और बड़े हिसाब से जो है इसके उर्वरक कम उर्वरकों में ही ये अच्छा उत्पादन दे जाती हैं। तो किसान भाइयों, ये मैंने बहुत अच्छी किस्में बताई हैं। आप इनमें से कोई किस्म जो है लगा के एक अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि जानकारी आप सभी किसान भाइयों को जरूर पसंद आई होगी और इसी अपनी तरफ से एक अच्छी जानकारी देने का प्रयास किया। जानकारी कैसी लगी, इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद किसान भाइयों।